हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सार्थक क्लासेस दरभंगा। हमारा पता है डॉक्टर ए के चौधरी केमिस्ट्री क्लासेस कैंपस, सेकंड फ्लोर, नियर बारवाड़ी कॉलेज दरभंगा। हमारे यहाँ सीटेट, केवीएस, बीटेट और स्टेट की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। अगर आपको भी एक बेहतर शिक्षक बनना हो तो अवश्य ज्वाइन करें सार्थक क्लासेस दरभंगा। मैं भारती सर एक बार फिर से आपके सामने वीडियो लेक्चर के माध्यम से उपस्थित हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो सीटेट में मैथमेटिक्स पार्ट का एक हिस्सा है, आज वो पढ़ेंगे। दो टॉपिक आज कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला जो टॉपिक है वो है घंटा, मिनट, सेकेंड एवं दिन पर आधारित प्रश्न, और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है रियल टाइम। तो ये दो टॉपिक हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। तो सबसे पहले घंटा, मिनट और सेकंड और दिन पर आधारित प्रश्न, इस टॉपिक को कवर करते हैं। इस टॉपिक को कवर करने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया जा रहा है, काफी बेहतरीन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का आप यूज कीजिए, फटाक से आंसर निकालिए। तो आइए फॉर्मूले को सबसे पहले समझते हैं। तो फॉर्मूला इस तरह से है, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स है जो कि घंटा में है, हम ब्रैकेट में यहां पर लिख देते हैं एच, अब घंटा से फिर मिनट में जा रहे हैं तो इनटू 60, लेकिन ये 60 किस में हुआ, तो इसको ब्रैकेट में एम लिख देते हैं, मतलब मिनट तक आ गए हैं। अब मिनट से सेकेंड तक जाते हैं, फिर इंटू 60 कर देते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है, ये घंटा, मिनट और सेकंड यहां तक पहुंच गए हैं। अब इक्वल टू, अब राइट साइड में दिन देते हैं, तो मान लेते हैं कि ये वाई है जो कि दिन में है, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं डी, ये एक दिन की बात हो रही है। अब इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो घंटा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24H, ये घंटा हो गया। अब इस घंटे को फिर से क्या करते हैं, मिनट में लाते हैं, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किस में आ गया, मिनट में आ गया। अब फिर इस मिनट को फिर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 60 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये सेकंड में आ गया। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे इस तरह के सभी प्रश्न आप इजी वे में कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी। तो आराम से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आराम से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आपने नोट डाउन कर लिया, तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने फॉर्मूला लिख दिया, इस फॉर्मूला को यूज कैसे करेंगे, अब हम वो सीखेंगे एक सवाल के माध्यम से। वो जरूरी है कि आप यूज कैसे करते हैं, जरूरी नहीं कि जितने भी डेटा यहां पर दिया गया हो हर किसी का आप हमेशा यूज कर लें। ये डिपेंड करता है दिए गए प्रश्न में कि वो प्रश्न आपसे क्या डिमांड कर रहा है। जितनी जरूरत होगी इसमें से इतना ही लिखेंगे, फॉर्मूला हमने पूरा लिख दिया लेकिन इसमें से जितनी जरूरत होगी केवल उतना ही लिखेंगे। देखिए कैसे एक सवाल पढ़ते हैं, तो सवाल इस तरह से है कि 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या, कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है, और यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2015 का पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड कैसे यूज करेंगे इस फॉर्मूला का। बोल रहा है कि 6 घंटों में सेकंड की संख्या, तो पहली बात को यह रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मूला है उसको हमने एक इक्वेशन बनाया है जिसमें एक लेफ्ट पार्ट है और एक राइट पार्ट है। तो लेफ्ट वाले पार्ट में देखिए हमने क्या रखा है, लेफ्ट वाले पार्ट में हमने रखा है घंटा वाले को, और राइट वाले में हमने दिन वाले को रखा है। तो घंटा वाले इधर आ जाएंगे और दिन वाला इधर चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 घंटों में सेकंड की संख्या, अर्थात घंटा से प्रश्न शुरू हुआ है और सेकंड तक जाना है। फिर से समझ लीजिए, यहीं पर थोड़ा प्रॉब्लम आएगा कि 6 घंटों में सेकंड की संख्या, अर्थात घंटा से लिखना शुरू कीजिए और अप टू सेकंड, सेकंड तक लिखिए,
तो देखिए हम लिखते हैं, मान के चलिए ये हमारा फॉर्मूला है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ये घंटा हो गया, ये मिनट हो गया और ये सेकंड हो गया। और प्रश्न में भी पूछा रहा है कि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, अर्थात घंटा से शुरू कीजिए और सेकंड तक आइए। तो हमने घंटा से शुरू किया, फिर मिनट आया, फिर सेकंड आया, तो लेफ्ट पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब आगे पढ़ते हैं, कितने दिनों में अर्थात दिन की संख्या आपको निकालनी है, पहली बात यह हुआ। लेकिन वह दिन जो हमारा इक्वेशन में वह सेकंड तक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है कि कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होंगे, अर्थात दिन से शुरू कीजिए और मिनट तक ही जाइए, अर्थात सेकंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें देखिए तो क्या है, वाई दिन में है जो कि जरूरत है और यही हमें निकालने हैं। दूसरा घंटा, ये तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद मिनट है, मिनट रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये जो 60 सेकेंड है ये अभी हमारे इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अनवांटेड है, जरूरत नहीं है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे, तो इसको हम यहां से इरेज कर देते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने इरेज किया, क्यों हमने इसे डिलीट किया, क्योंकि हमने डिमांड किया था क्या कि कितने दिनों में मिनटों की संख्या, तो आप दिन से शुरू कीजिए, मिनट पे रुक जाइए। अगर सेकंड पूछा रहता तो सेकंड तक लिखते, या अगर पूछा रहता कितने दिनों में घंटों की संख्या तो केवल घंटा तक ही लिखते, इसके आगे नहीं, इसके आगे फिर डिलीट कर देते। तो यही था मेन इसका कॉन्सेप्ट। अब आइए इसको आसानी से इसमें डाटा को पुट करते हैं। तो क्या बोलना है कि 6 घंटों में, तो घंटा के जगह क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, इनटू लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या है, 60 मिनट। तो भाई हमें सेकंड तक जाना है, अभी तो मिनट में ही है, तो इसको लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा। उसके बाद फिर कहां तक जाना है, सेकंड तक जाना है, तो सेकंड में फिर क्या करेंगे, फिर एक बार 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा लेफ्ट पार्ट हो चुका है। और राइट में क्या बोल रहा है कि कितने दिनों में, तो भाई दिन तो लेना है और यही दिन हमें निकालना भी है, तो दिन को हमने क्या रखा, वाई ही रख दिया, वाई जो हमारा आएगा वो दिनों की संख्या होगी, तो वाई को हमने वाई रख दिया। और जाना कहां है, मिनट तक जाना है, तो भाई मिनट में, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, 24 लिख देंगे, हमें कहां तक, मिनट तक जाना है, और 24 तो घंटा वाला था, तो मिनट में कितना से मल्टी इसमें करेंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें वाई की वैल्यू यहां से आसान से निकाल सकते हैं, इन दोनों का क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई इक्वल टू क्या होगा, 6 × 60 × 60 और डिवाइडेड बाय 24 × 60 हो जाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं 24 × 60 हो जाएगा। अब ये 60 से 60 कट गया, 6 × 24 = 4 हो गया, 4 से 60 कट गया 15 से, तो ये जो हमारा y आया है ये कितना आया है, 15। लेकिन ये y था क्या, तो भाई y तो हमारा दिन है ना, तो ये 15 क्या हो गया, 15 दिन हो गया, और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो एक सवाल और करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज्यादा हाई हो जाए। तो पहले सवाल पढ़ते हैं, सवाल ऐसा है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से कितने सेकंडों की संख्या के, और इसके ऑप्शन है 6 घंटे, दूसरा है 8 घंटे, तीसरा है 4 घंटे और चौथा है 5 घंटे। और ये जो क्वेश्चन है सीटेट सितंबर 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, स्टार्ट हुआ है दिन से, अब पूछ रहा है उधर निम्न में से कितने सेकंडों की संख्या के बराबर होगा। तो फिर से क्या करेंगे, वो फॉर्मूला पहले लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, मेरे साथ आप लिखिए। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, तो पहले सॉल्यूशन करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, एक्स जो कि किस में, घंटा में, एक्स को ऐसा लिख देते हैं ब्रैकेट में, एक्स हमें याद रहेगा कि यह घंटा में है। अब क्या करेंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो किस में आ गया, मिनट में आ गया, एक बार और 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो किस में आ जाएगा, सेकंड में हो गया। तो लेफ्ट पार्ट हमारा हो चुका है, अब राइट पार्ट लिखते हैं। ये दिन से शुरुआत होता है, तो दिन कितना है, माना कि y दिन है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना से, 24 से, 24 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये किस में आ गया, अब ये घंटा में आ गया है, तो यहां पर घंटा लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, 60 से अगर फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो किस में आएगा, मिनट में आएगा, तो फिर हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये मिनट में आ चुका है।
एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस में आ जाएगा, तो सेकंड में आ जाएगा। तो ये तो हमारा फॉर्मूला हुआ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को फिट करेंगे, सेट करेंगे कि कहां तक हमें लिखना है। हर बार जरूरी नहीं है कि आप इतना लिखें, जितनी जरूरत है आप उतना सभी काम चला सकते हैं, लेकिन ये शुरुआती है इसीलिए हम पूरा लिखते हैं और पूरा में से क्या क्या जरूरत होगा उतना रहने देंगे, बाकी को हटा देते हैं। तो देखिए क्या है, 15 दिनों में मिनटों की संख्या, अर्थात जो दिन वाला है तो दिन वाला इधर राइट में लिखे हैं, 15 दिन में अर्थात इसको लेना है और कहां तक जाना है तो मिनटों की संख्या तक अर्थात मिनट तक जाना है, तो मिनट कहां है, ये है, यहां तक जाना है, तो बीच में रह कौन गया 24, इसे भी लेना है, इसे हटाना नहीं है, इसके बाद वाला जो रह गया उसे आप हटा दीजिए, तो हमने इस पर क्रॉस मार्क लगा दिया, अर्थात ये हमें जरूरत नहीं है। फिर देखिए इधर वाले में कि पूछ रहा है कि निम्न में से कितने सेकंडों की, अर्थात इधर सेकंड तक आपको लेना है, तो सेकंड तो सबसे लास्ट है तो लास्ट से पहले वाला तो लेना ही पड़ेगा, अर्थात इधर तीनों को रखिए और इधर जो चार है चार में से सेकंड वाले को हटा दीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो जरा सा हमें बताइए, स्टार्ट है 15 दिनों में, तो आइए इक्वल टू यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, 15 दिन हो गया और कहां तक जाना है, मिनट तक जाना है, तो 15 के बाद क्या है 24 घंटा है, तो आप आराम से 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर कहां तक जाना है, मिनट तक जाना है, वो तो याद रखना ही है, तो मिनट में फिर क्या करेंगे 60 से फिर यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो राइट 60 वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब डिमांड क्या कर रहा है कि निम्न में से कितने सेकंडों की संख्या के बराबर है, इधर आपको सेकंड तक जाना है, इधर कहां जाना है सेकंड तक जाना है, तो आइए, लेकिन हमारा ऑप्शन किस में है, घंटा में है, ऑप्शन घंटा में है, आप देख सकते हैं, अर्थात घंटा वाला निकालना है, तो घंटा की जगह यहां पे हम एक्स लिख देते हैं इनटू, फिर ये 60 रहेगा ही रहेगा, सेकंड तक वैसे ही कॉपी करेंगे, मिनट हो गया, फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड हो गया। अब बताइए फटाक से यहां पे एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहां से एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इतना डिवाइडेड बाय इतना हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 15 × 24 × 60 और डिवाइडेड बाय 60 × 60 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 60 × 60 हो जाएगा, ये 60 से ये 60 कैंसिल हो गया, 15 से 4 ये कट गया, ये 4 होगा और 4 से ये कटेगा तो 6 होगा। तो जरा सा बताइए x बराबर 6, लेकिन x था क्या, x हमारा घंटा है, तो ये हमारा हो गया 6 घंटा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो पहला हमारा ऑप्शन सही है। तो आप इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, चाहे सवाल कुछ भी पूछे, इस तरह के कुछ भी पूछे, आप इसी वे में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट था फॉर्मूला का, जिसे आप याद रखेंगे। तो पहला टॉपिक हम यहीं पे रोकते हैं, अब शुरुआत करते हैं दूसरा टॉपिक। अब हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रेलवे समय पर आधारित प्रश्न, अर्थात जो क्वेश्चन होंगे वह रेल टाइम को फॉलो करेगा। तो रेलवे टाइम होता क्या है, जैसे हमारी जो घड़ी होती है जनरली वो 12 घंटे की होती है और रेलवे की जो घड़ी होती है वह 24 घंटे की होती है। तो 24 घंटे की घड़ी लेकर हम लोग सवाल बनाएंगे, इस पर आधारित हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ बातें हमें पहले समझनी पड़ेगी कि पूर्वाह्न क्या होता है, अपराह्न क्या होता है, पहले इस चीज को समझते हैं। पूर्वाह्न जैसे हम बोर्ड पर इस तरह से हम लिखते हैं, ये पूर्वाह्न है, ये लिखा हुआ है पूर्वाह्न, जिसको आप इंग्लिश में एएम भी पढ़ते हैं, ये होता है पूर्वाह्न। इसका फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम, जिसको बिफोर नून या बिफोर मिड डे भी पढ़ते हैं, दोपहर से पहले का समय। अर्थात ये जो समय है पूर्वाह्न, इसकी शुरुआत कहां से होती है, कितने बजे से होती है, तो इसकी शुरुआत होती है रात 12 बजे से लेकर कहां तक, दिन के 11:59 तक। तो यहां पर लिख देते हैं कि दिन के 11:59
59 मिनट तक अर्थात रात के 12 बजे से लेकर दिन के 11:59 तक का जो समय होता है उसे पूर्वाह्न कहते हैं या उसे एएम पढ़ते हैं। और एक दूसरा होता है अपराह्न, अपराह्न जिसको पीएम पढ़ते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियन, जिसको आफ्टरनून या आफ्टर मिड डे बोलते हैं, दोपहर के बाद का समय। इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो इसकी शुरुआत होती है दिन के 12 बजे से लेकर रात के 11:59 तक, रात्रि के 11:59 तक, यहां तक का जो समय होता है उसे अपराह्न कहते हैं। तो पहले इतनी बातें हमें समझ में आनी पड़ेगी, तब जाकर के आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन में रहता क्या है, कभी दे देगा साय का समय अर्थात शाम का समय, तो शाम में क्या होता है, तो भाई शाम में तो अपराह्न होता है, ये बात आपको याद रखना होगा। कभी कभी दे देगा सुबह की बात, तो सुबह में क्या होता है, पूर्वाह्न रहता है, एएम रहता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो पहले ये दो बात हमने सीख लिया है। तो पूर्वाह्न और अपराह्न हम लोगों ने देख लिया। यहां पर हमने सेकेंड को नेग्लेक्ट करके रखा है क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है, इसीलिए सेकेंड की चर्चा नहीं किए हैं। अब पूर्वाह्न और अपराह्न तो हम लोग समझ गए हैं, लेकिन समय कैसे फाइंड आउट करेंगे? कभी कभी यहां पर भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाता है कि समय कैसे निकालें। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ऐसा समय दिया हुआ है 10:30 हो रहे हैं, बोल रहा है कि 10:30 हो रहा है, तो अभी से 6 घंटे बाद क्या समय होगा? अभी मान लो कि 10:30 हो रहा है, तो अभी से 6 घंटे बाद क्या समय होगा? अभी से 6 घंटे बाद, तो क्या करेंगे, इसमें 6 घंटा जोड़ देंगे। तो पहले जोड़ना सीखते हैं, तो 6 घंटा क्या करेंगे, इस तरह से जोड़ देंगे, घंटा के जगह घंटा, देखिए ये ऊपर वाला एच में है, घंटा में है, और ये वाला जो बगल में दिख रहा है ये मिनट में है। तो जरा सा बताइए, जोड़ना है, ऐड करना है, चूंकि बाद में पूछा है तो बाद वाला ऐड होगा। तो बताए 0+0 0 हो गया, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16, अर्थात 16:30 हो रहा है। तो ये हमारा एडिशन हुआ। लेकिन 16:30 अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कि 16:30 हो रहे हैं, यह पूर्वाह्न का समय है या अपराह्न का समय है, तो आप कैसे बताएंगे? इसका एक बेहतरीन तरीका बताते हैं कि अगर समय आपका 12 बजे से कम है, 12 बजे से कम है, दिन की बात बता रहे हैं, अगर समय आपका दिन के 12 बजे से कम है तो वो जो समय है वह पूर्वाह्न का समय होगा, एएम का समय होगा। लेकिन अगर आपका समय दिन में 12 बजे या 12 बजे के बाद का समय है तो वह किस में आएगा, वह अपराह्न में आएगा। तो मुझे बताओ 16:30 हो रहा है, तो 16 कब बजता है, दिन के 12 बजे के बाद। तो आप क्या करना है, 16:30 में से आप 12 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 16:30 में से 12 घटा दीजिए अर्थात 4:30। अगर आपको पूछे एग्जैक्ट समय तो आप इसमें से क्या करना, 4 माइनस कर दीजिए, तो 16 में से 4 गया तो ये 12 माइनस करेंगे, 16 में से 12 गया तो कितना होगा, 4:30 अर्थात शाम के 4:30 हो रहे हैं। खैर वो बात की बात है, वो हम प्रश्न में भी सीखेंगे। तो ये हमने एक एडिशन हमने सीख लिया। दूसरा एक और समझते हैं कि मान के चलिए ऐसा हो रहा है 11:45 हो रहा है और इसमें से घटाना है, मान लेते हैं कितना, 9:30 घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, सिंपल सी तरीका है, मिनट से मिनट को घटाएंगे और घंटा से घंटा को घटाएंगे। तो जरा सा बताइए 45 में से 30 को घटा दीजिए तो कितना रहेगा, 15 रहेगा, ये 15 मिनट है हमारा, और 11 में से 9 चला जाएगा कितना होगा, 2, अर्थात 2 घंटा 15 मिनट। इस तरह के और भी समझते हैं, अब कैरी वाला समझते हैं। ये तो आसान वाला था, अब थोड़ा सा कैरी वाला, हासिल वाला समझने का प्रयास करते हैं। तो वो देखिए किस तरह से होता है, और मेन यही है, समझिए। जैसे मान लेते हैं कि अभी जो समय हो रहा है वो 10:40 मान लो कि 40 मिनट हो रहा है, मान लेते हैं कि ये समय है, इसमें से हमको घटाना है 6:40
50 मिनट घटाना है। अब ये सीखते हैं, जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा, क्या ये जो 10 है वो घंटा में है और ये जो 40 है वो मिनट में है। इस चीज को आप पहले समझ लीजिए, इधर वाला घंटा में, इधर वाला मिनट में। तो जरा मुझे बताओ कि 40 में से 50 घटेगा? नहीं घटेगा। तो बदल वाले का सहारा लेना पड़ेगा, अर्थात इस मिनट वाले को इस बगल वाले घंटा से लेना पड़ेगा। कितना? तो भाई ये तो घंटा में है, ये जब भी देगा तो घंटा देगा, घंटा मतलब एक घंटा, और एक घंटा इसको दिया तो ये तो मिनट है, तो एक घंटा में कितने मिनट? तो 60 मिनट। तो ये क्या करेगा, एक घंटा इसको दे देगा 40 वाले को, एक घंटा भाई दे दिया, एक घंटा इन्होंने दे दिया, लेकिन इसके पास वो घंटा आते आते किसमें आ जाएगा? मिनट में आ जाएगा। तो अर्थात कितना दे देगा इसको? 60 मिनट दे देगा। तो अब मुझे बताओ कि 60 और ये 40, ये 60 और ये 40 कितने हुए? 100। ये किसमें? मिनट में हुए। अब उस 100 मिनट में से 50 मिनट को घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 50 मिनट बचेगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, 40 में से 50 नहीं घट रहा है तो बगल वाले से हिलेगा, एक मांगेगा कि भाई हमको दो, मेरे पास नहीं है। तो बगल वाला बोलेगा भाई हम घंटा वाला जानते हैं, केवल आवर में देंगे, लो एक घंटा। तो एक घंटा दे दिया, लेकिन ये जो 40 था वो बोला मैं तो मिनट में हूं, तो उसके पास आते आते मिनट में आ गया। तो एक घंटा बराबर 60 मिनट, तो अर्थात 60 मिनट दिया, तो वो दिया हुआ 60 मिनट और इसके पास पहले से था 40 मिनट, दोनों को जोड़ देंगे तो 60 और 40 कितना होगा? 60 और 40 100 मिनट, और 100 मिनट में से ये जो 50 मिनट है वो माइनस कर देंगे तो 50 मिनट ही बचेगा। अब बात करते हैं इसकी, जरा मुझे बताओ इन्होंने तो एक घंटा दे रखा है, अब इसके पास कितना बचा है? तो 9 घंटे। तो अब ये 9 में से 6 जाएगा तो कितना होगा? 3, अर्थात 3 घंटा 50 मिनट। एक और समझते हैं, एक और समय तब एडिशन वाला समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 11 बज करके 15 मिनट हो रहा है, इसमें से हमें जोड़ना है, तो मान लेते हैं कितना जोड़ना है, तो मान लेते हैं कि 12 60 इस तरह से जोड़ना है, 12 60 नहीं 12 50 कर देते हैं, 12 50 कर देते हैं, इतना जोड़ना है। ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो 11 है वो घंटा में है और ये जो 15 है वो मिनट में, इसमें जोड़ना है 12 बज करके 50 मिनट। देखिए कितना रिजल्ट आता है, जरा मुझे बताओ, जोड़ के समय में कैरी लेने की जरूरत अभी नहीं है, अभी ध्यान दीजिए, 50 और 15 कितने होंगे? तो 50 और 15 कितने होंगे? 65 होंगे। तो हम यहां पर पहली बार क्या करते हैं, 65 लिख देते हैं, आप देखते चलिए, 65 हमने लिख दिया, बस इसका काम हो गया। अब इधर वाला 12 में 11 को जोड़िए तो कितना होगा? तो भाई 12 में 11 को जोड़ेंगे तो ये 23 होगा, इतना काम तो कर लिया। लेकिन मुझे बताओ कि 65 मिनट नहीं होगा, ये जब भी होगा तो 60 से ऊपर तो जाएगा नहीं, तो अगर मिनट वाला 60 या 60 से अधिक हो तो आप उसमें से 60 माइनस कर दीजिए। तो जरा सा बताइए, इसमें से अगर हम 60 कम कर देंगे, 65 में से अगर 60 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा इसके पास? इसके पास बचेगा 5 मिनट, कितना बचेगा? 5 मिनट। और वो जो 60 मिनट था वो बगल वाले को दे देंगे, तो बगल वाला तो घंटा में है, तो 60 मिनट इक्वल टू एक घंटा, तो 24 और वो जो 60 मिनट दिया था जो एक घंटा के बराबर था वो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 23 और 24 हो जाएगा। तो ये था हमारा एडिशन वाला प्रॉब्लम, 24 घंटा 5 मिनट। तो ऐसे हमें करने हैं सवालों में। आइए अब एक सवाल के माध्यम से इसे और भी क्लियर समझते हैं। तो सवाल ऐसा है कि 2:58 सायं से 4:59 पहले क्या समय है? और पहला ऑप्शन है प्रातः 9:59, दूसरा है प्रातः 10:01, तीसरा ऑप्शन है सायं 9:59 और चौथा है सायं 9:57। और ये जो क्वेश्चन है सीटेट जनवरी 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, स्टार्टिंग हुआ है 2:59 सायं से। अब ध्यान दीजिए मेरी बात, आपका भी गलती नहीं होगी कि अगर आपका क्वेश्चन सायं से स्टार्ट हो या अपराहन से स्टार्ट हो
पीएम से स्टार्ट हो तो दिए गए समय में 12 घंटा जोड़ दीजिए। फिर से समझिए कि अगर आपका क्वेश्चन साय से शुरू हो, शाम से शुरू हो, अपराह्न से शुरू हो या पीएम से शुरू हो तो दिए गए समय में 12 घंटे जोड़ दीजिए, फिर आगे का काम कीजिए। तो क्या है मेरा समय? 2:59 साय से 4:59 पहले। तो भाई पहले अभी का समय तो लिख लो। तो अभी का समय क्या है? साय का समय है 2:59। तो हमने क्या बोला? जो दिया है उसमें 12 घंटा जोड़ दीजिए। लेकिन कब? जब वह क्वेश्चन अपराह्न से स्टार्ट हो, साय से स्टार्ट हो, पीएम से स्टार्ट हो। तो 2:58 इसमें 12 जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 14:58। तो मेरा जो समय है अब वो हो गया 14:58। समझिए बात को। अब क्या बोल रहा है कि इससे 4:59 पहले। तो भाई घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए 4:59 पहले। तो 59 के जगह मिनट लिखिए और घंटा के जगह घंटा लिखिए। बस इस तरह से माइनस करना है। तो मुझे बताइए 58 में से 59 माइनस होगा? नहीं माइनस होगा। तो बगल वाले से लेगा, कितना लेगा? 1 घंटा लेगा। तो बगल वाला 1 घंटा देगा, लेकिन इसके पास क्या हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। तो 60 मिनट और 58 मिनट कितना होता है? तो साइड में कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 60 मिनट और 58 मिनट पहले क्या करेंगे? फट से जोड़ लेंगे। तो कितना होगा? ये 8 हो जाएगा और 6 और 5 11, मतलब 118 घंटा हो गया। हासिल लेने के बाद, कैरी लेने के बाद उसमें से कितना माइनस होगा? 59 माइनस होगा। तो यहां से क्या करेंगे? साइड वर्क में 59 माइनस कर दीजिए। तो कितना होगा? अब 8, 18 में से 9 गया तो 9 ये बच गया, 10, 10 में से 5 गया तो 5, अर्थात ये कितना होगा? यहां पर 59 होगा। ये हमने कहां से लिखा? यहां से लिखा, ये वाला कॉपी नहीं किया है, सॉल्व करने के बाद हमने लिखा। इस बात को आप याद रखिए। फिर अगली बात, अब इसके पास कितना बचा? तो भाई ये तो 14 घंटा है लेकिन 1 घंटा दे दिया है, तो अब ये मात्र 13 घंटा है। तो 13 घंटा में से 4 घंटा घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 9 घंटा, 9:59। जरा बताइए 9:59 12 बजे के बाद आता है या 12 बजे के पहले? तो भाई मेरे ये 12 बजे से पहले आता है। अगर 12 बजे के बाद आता तो 13, 14, 15 कुछ और होता, लेकिन 12 से पहले है। कैसे? तो 12 से ये वैल्यू कम है 9, इसीलिए 12 से पहले। 9 जो है 12 से कम है, इसीलिए दोपहर से पहले का समय है। तो दोपहर से पहले का समय क्या होता है भाई? पूर्वाह्न होता है, एएम होता है, एंटी मेरिडियम जिसको बोलते हैं। तो जरा सा बताइए ये कब का समय है? ये समय है सुबह का, जिसको एक नाम और भी बोलते हैं प्रातः। तो बताइए जरा सा, प्रातः 9:59 और पहला हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि अब समय 2:17 अपराह्न है तो अब से ठीक 11:59 पश्चात क्या समय होगा? तो देखिए, बताइए मुझे क्वेश्चन कहां से शुरुआत हुआ है? 2:17 अपराह्न, अपराह्न हो रहा है अर्थात पीएम की बात हो रही है, दोपहर 12 बजे के बाद का समय है। तो क्या बोले थे कि जब कभी भी समय आपका अपराह्न से स्टार्ट हो तो आप 12 उसमें जोड़ दीजिए, तब सॉल्व कीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वैसे अगर आप नहीं भी जोड़ेंगे तो भी सॉल्व होता है, लेकिन 12 आप जोड़ के बनाइए तो इजी होता है। तो क्या करेंगे? दिया गया समय अपराह्न है तो 12 घंटा पहले जोड़ दीजिए। तो 2:17 में 12 घंटा जोड़िए तो 12 2 14 घंटा 17 मिनट। तो मेरा समय हो गया 14:17। अब क्या बोल रहा है कि अब से ठीक 11:59 बाद क्या समय होगा? तो बाद में जोड़ना रहता है, इसमें जोड़ दीजिए 11:59 क्या करना है? जोड़ देना है, यही हमारा आंसर होगा। तो बताइए जरा सा, 9, 7, 16 होगा, कितना? 5, 1, 6 और 1, 7, 76 हो गया। अगला 4 और 1, 5 हो गया, 1 और 1, 2 हो गया, 25:76 हो गया। तो मुझे जरा सा बताइए कि हमें जो मिनट लेना है वह 60 या 60 से अधिक होगा तो 60 माइनस कर देंगे। तो बताइए 76 में से अगर आप 60 माइनस करोगे तो कितना होगा? तो 76 में से 60 अगर माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा? तो ये बचेगा 16।
लेकिन वो जो आपने 60 माइनस किया था मिनट में, जो कि एक घंटा है, वो बगल वाले को देना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 1 26। तो ये जो हमारा समय है वो है 26:16। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, तो वो समय बताएगा। तो देख रहे हैं कि दिया गया जो समय, ये जो हमारा आया है रिजल्ट, वह 24 घंटा से ऊपर है। तो अगर 24 घंटा से ऊपर रहेगा तो उसमें से 24 घंटा माइनस कीजिए। ध्यान रखिए बात को, कि अगर आपका रिजल्ट 24 घंटा से ऊपर आ रहा है तो 24 घंटा माइनस कीजिए। तो बताइए 26 घंटा 16 मिनट में से 24 घंटा माइनस कर दीजिए, तो माइनस हम क्या कर देते हैं, 24 घंटा। तो अब कितना बचेगा, तो ये 16 हो गया, 26 में से 24 गया 2, मतलब 2:16 हो रहा है। अब बताइए मुझे 2:16 ये कब का समय रहा होगा, तो यह समय निश्चित ही 12 घंटा से कम है, 12 बजे से कम है। तो कौन सा होगा, पूर्वाहन होगा, एएम होगा। तो ये जो समय होगा वो समय एएम वाला समय होगा। तो कौन सा एएम वाला है, अर्थात पूर्वाहन कौन सा है, तो ये चौथा आंसर है, 2:16 पूर्वाहन, ये हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय है, और ऑप्शन है पहला 40:15, दूसरा ऑप्शन है 38:45, तीसरा ऑप्शन है 36:15, चौथा ऑप्शन है 39:45। और ये जो क्वेश्चन है ये है लेटेस्ट क्वेश्चन, सीटेट 8 दिसंबर 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमें टाइम निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, वही तरीका, वही पुराना वाला तरीका, देखिए कैसे। तो सबसे पहले बताइए गाड़ी कब स्टार्ट हुई है, 29 अगस्त को। अगस्त कितने का महीना होता है, 31 का महीना होता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, ये गाड़ी जो हमारी है 29 अगस्त को चली है, कितने बजे चली है, तो 16:30 पर। तो लिख देते हैं 16:30 पर। अगर आपसे सिंपल कोई पूछे कि 16:30 हो रहा है तो पूर्वाहन है कि अपराहन है, तो आपका आंसर क्या होगा, अपराहन। क्यों, क्योंकि 12 बजे से ऊपर है, 12 या 12 से ऊपर हो तो अपराहन, तो 12 से 4 घंटा, 4.5 घंटा अधिक है, इसलिए अपराहन होगा। तो हमने लिख दिया 16:30। आगे है कि अपने गंतव्य स्थान पर 31 अगस्त को पहुंचता है, गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन जहां पर उसको जाना था, कब पहुंचा है, 31 अगस्त को कितने बजे, 8:45। तो मुझे बताओ जरा, 29 को ट्रेन चली है और 31 को पहुंची है, 30 को मैं रास्ते में थी, तो उसको भी तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 30 अगस्त। अब समय कौन सा लेंगे, तो भाई हमने इससे पहले भी एक वीडियो लेक्चर बनाया है औसत चाल पर, आप वो वीडियो देख लें तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वहां पर इसी पर आधारित स्पीड औसत चाल पर प्रश्न किए थे, फिर भी समझते हैं। देखिए तो समय यहां पर वही लेंगे जो पहले हमने लिख दिया है, 16:30 पर। क्यों ले रहे हैं भाई, इजी बनाने के लिए प्रॉब्लम, इसीलिए पुराना वाला समय यूज कर रहे हैं, और हम एक ही बार एक ही समय यूज करेंगे 16:30, इसी को लिखते जाएंगे कब तक, जब तक गाड़ी जहां पहुंचती है तब तक। तो यहां तक लिख लिया। अब जरा सा बताइए, 31 अगस्त की बात हो रही है, तो 31 अगस्त को कितने बजे पहुंचा है, 8:45 पर। लेकिन हम क्या करेंगे, लिखेंगे यही टाइम 16:30। प्रॉब्लम आसान हो जाता है सॉल्व करने में, तो हम अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं 16:30 पर पहुंची है, जबकि ये बात गलत है, 16:30 में नहीं पहुंची है, 8:45 पर पहुंची है। ट्रेन जो पहुंची है 8:45 पर, और हमने लिख दिया 16:30 पर, अर्थात हमने ज्यादा लिख दिया। तो कितना ज्यादा लिखा वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसको समझिए कि 29 और 30 तारीख के बीच में ट्रेन ने कितना देर सफर किया, तो भाई एक दिन का गैपिंग है, सेम समय है, तो कितना हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा। फिर
30 और 31 अगस्त की बात करें, एक दिन का गैपिंग है, समय सेम है, तो बताइए कितना होगा, तो ये भी हो जाएगा 24 घंटा, तो कुल समय कितना हुआ 48 घंटा। तो ये जो हमारा 48 घंटा है वो एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ये हमने ज्यादा लिख रखा है, क्योंकि घंटा भी पहुंचने का जो टाइम था वो एक्चुअल में 8:45 है और हमने लिखा है 16:45, हमने ज्यादा लिख दिया है। तो भाई कितना ज्यादा लिखा है वो कैसे पता करेंगे, तो दिए गए समय में से 8:45 को माइनस कर लीजिए, जितना बचेगा वो ज्यादा होगा और वो जितना आएगा इसमें से 48 घंटा में से घटा दीजिए, वो बाकी जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो जरा सा बताइए इसको क्या करते हैं, 16:30 से माइनस कर देते हैं 8:45 को, तो एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितना घंटा हमने ज्यादा लिखा है। तो मुझे जरा बताओ 30 में से 45 तो नहीं जाएगा, तो हमने अभी जस्ट सीखा था बगल वाले से एक घंटा, बगल वाला एक घंटा देगा, वो एक घंटा इसके पास 60 मिनट आ जाएगा, तो वो 60 मिनट और ये वाला 30 मिनट टोटल 90 मिनट हुआ। तो 90 मिनट में से इस 45 मिनट को घटाइए, देखिए बगल में फिर से आपके लिए कर रहे हैं, 90 मिनट ये 30 मिनट इसका हुआ और 60 मिनट ये दिया, तो 60 और 30 90 मिनट हो गया, 90 में से ये दिए गए 45 मिनट को माइनस कीजिए, तो 45 मिनट घटा दीजिए तो कितना बचेगा, तो 90 में से 45 जाएगा 45 मिनट, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 45। आपको याद रखना है ये वाला 45 हमने नहीं लिखा है, माइनस करने के बाद लिखा है 45 मिनट, ये तो हो गया। अब घंटा में आइए, 16 घंटा है लेकिन एक घंटा दे रखा है, तो कितना बचा 15 घंटा, तो 15 घंटा में से 8 घंटा चला जाएगा, तो कितना बचेगा 7 घंटा 45 मिनट। अर्थात आपने यहाँ पर जो 16:30 लिखा है इसमें आपने 7 घंटा 45 मिनट ज्यादा जोड़ करके लिख दिया था, तब ये 7 घंटा 45 मिनट हम लोग ये जो टाइम है 48 घंटा इसमें से माइनस कर देंगे और जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब कितना है 48 घंटा, इसमें से माइनस कर दीजिए किसको, तो जो एक्स्ट्रा हमने लिखा है 7 घंटा 45 मिनट, तो यहां से क्या करेंगे 7 घंटा 45 मिनट माइनस कर देंगे, तो मुझे बताओ कि 00 में से 45 तो नहीं जाएगा, तो बगल वाले से कैरी लेगा, मांगेगा बगल वाले से लेगा, बोरो लेगा इस तरह से कि भाई मुझे दो, तो ये इसको बोरो देगा, कितना देगा एक घंटा देगा और इसके पास 60 मिनट हो जाएगा आते आते, तो 60 मिनट में से 45 मिनट को माइनस कीजिए तो कितना बचेगा 15 मिनट बचेगा। फिर से समझिए, ये 60 मिनट इसको देगा, इसके पास अब 60 मिनट हो गया 00, अब 60 मिनट में से 45 मिनट घटाइए कितना बचा 15 मिनट, लेकिन इसके पास अब कितना बच गया 48 है, एक घंटा दे रखा है, तब 47 रह गया 47 में से 7 माइनस कीजिए, 47 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा 40 होगा, अर्थात 40 घंटा 15 मिनट, तो ये हमारा आंसर है। तो मिलाते हैं ऑप्शन 40 घंटा 15 मिनट और ये हमारा पहला ऑप्शन था। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, काफी इंपोर्टेंट चैप्टर आज हम लोगों ने पढ़ा है, चैप्टर ने टॉपिक बोलना चाहिए, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा है जो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जो पढ़ाया उस पर आधारित आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मेरा गारंटी है आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, इस तरह से तैयारी कीजिए और एक अच्छा स्कोर सीटेट में लाइए ताकि आपका बेहतर सिलेक्शन हो। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं और आपसे गुजारिश है कि अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने उन सभी मित्रों तक पहुंचाइए जो सीटेट केबीएस बीटेट और एसटेट की यंग टेट्स की तैयारी कर रहा हो, हमारा वीडियो उन तक पहुंचेगा, काफी लाभान्वित होंगे और हमें इनकरेज कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।